तो सुबह सुबह जो मेरा किचन है वो उस तरह से दिखता है। मैंने हमेशा रात को ही खाने के बाद हमेशा बर्तन को साफ करके यहाँ पर इस तरह से रख देती हूँ ताकि जो पानी है वो सूख जाए। तो पहले मैं सारे बर्तन को एक टब में निकाल दूंगी और किचन की जो काउंटर है उसको खाली कर दूंगी। तो अभी मैं सारे बर्तन को निकाल लिया है और मेरा किचन जो है वो बिल्कुल साफ है। तो आज संडे मेनू में है आलू का पराठा। आलू मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है क्योंकि मैं हमेशा 1 वीक के लिए मील प्रिपेयर करके रखती हूँ। सो आलू को मैं बॉईल करके फ्रिज में ऑलरेडी रखा है और आटा थोड़ा ख़त्म हो गया है इसलिए मैं पराठे के लिए थोड़ी सी आटा गूंद लूँगी। मसाले के लिए मैं साइड में प्याज टमाटर ग्रीन चिली को ऑलरेडी कट करके रखी हूँ। अभी मेरा आटा हो गया है इसलिए मैं इसको ढक के साइड में रख दूंगी। फिर मैं फ्रीज में से आलू को निकालूंगी और इसका छिलका थोड़ा निकाल दूंगी। तो अभी बज रहे हैं 8 और मैं हमेशा संडे को थोड़ा लेट उठती हूँ क्योंकि वीकडेज में मैं हमेशा 6:00 6:30 पे उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ऑफिस जाते हैं इसलिए लंच बनाना होता है और ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है। पर संडे को मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ। मैं सारे आलू को पील कर लिया है। अभी मैं इसका मसाला बनाऊंगी। मैं पराठे के लिए हमेशा जो फ्राई किया हुआ मसाला प्रिपेयर करती हूँ। फ्राई किया हुआ मसाला मतलब ऑयल डाल के फिर थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड डाल देती हूँ और सारी प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को भी डाल देती हूँ। फिर सारे स्पाइसेस और आलू के साथ मैं इसको फ्राई करती हूँ और ये मुझे बहुत ही पसंद है। इन आलू को गैस पे थोड़ा फ्राई करने से जो पराठा का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और मैं हमेशा इस तरह से ही बनाती हूँ। आप किस तरह से बनाते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी मेरा आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है। अभी गैस बंद करके मैं इसको थोड़ा साइड में कर दूंगी और जाती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी मैं पराठा बनाऊंगी इसलिए मैं पहले एक वाइपर की सहायता से अपने किचन काउंटर को अच्छे से साफ कर लूँगी क्योंकि किचन साफ करने से ही मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं हमेशा किचन को साफ ही रखती हूँ। अगर आप मेरा फुल किचन टूर देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मेरे चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल है। आप चाहे को इसको चेक कर सकते हैं।
देख रहे हो, यहाँ पर मैं दो पराठा ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी मैं इसको जाऊँगी तवा पे फ्राई करने के लिए। आलू के पराठे के साथ देसी घी ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अब जब पराठा बनाती हूँ तब ये देसी घी यूज़ करती हूँ। अभी मेरा ब्रेकफास्ट जो बन गया है, इसलिए मैं किचन काउंटर को थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी। गैस और किचन काउंटर को साफ करने के बाद मैं जो बर्तन यूज़ की थी उसको भी साफ कर लूँगी। तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट खाने के लिए रेडी है। अभी मैं जा रही हूँ खाने, इसलिए मैं आलू के पराठे के साथ, ये थोड़ा सा आलू बच गया था इसलिए मैं इसको खा लूँगी, और साथ ही साथ मैं इसमें खाऊँगी थोड़ी सी पिकल। मैं हमेशा पराठे के साथ पिकल खाती हूँ, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सारी काम ख़त्म होने के बाद मेरा किचन जो है इस तरह से दिखता है। तो ये था मेरा संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और भी मेरे इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।